हाँ भाई, मवेशी मंडी के बाद कुर्बानी का व्लॉग आता है, लेकिन हमने सीधा बारबेक्यू का प्लान बनाया है। वीडियो चेक करो आप लोग। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम है मैजिक त्रेडी और आप देख रहे हो मैजिक त्रेडी यूट्यूब चैनल। तो ख़वातीन आज़ाद, आज के लिए मैं एक बड़ा स्पेशल व्लॉग लेकर आया हूँ, क्योंकि स्पेशल व्लॉग इसलिए है कि बारबेक्यू है, ठीक है ना। अब बारबेक्यू कहाँ है, लोग घर पे करते हैं, लेकिन हमने कुछ अलग ट्राई करा। हमने सोचा कि क्यों ना हम चल देते हैं दो दरिया, पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर और अच्छी जगह है। आप लोगों को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट में बताओ पता है या नहीं। तो दो दरिया पहुंच गए और रात का कोई टाइम हो रहा था, तकरीबन के 2-2.5 बज रहे थे, ठीक है। हमने बोला इस टाइम पे निकलेंगे और फिर हम वापसी आएंगे हम सुबह फजर के अंदर, ठीक है ना। अब हम तो निकल गए, ठीक है ना। चलो अच्छा भाई, कुछ लोग तो होते हैं जो के चाय पीने वाले, ठीक है। मेरे भाई थे मेरे साथ, हम पांचों ब्रदर थे और टाइम हो रहा था कोई रात के 2-2.5 बजे का, और मेरे भाइयों को चाहिए थी चाय। यार लेट नाइट होटल सब बंद है मेरे भाई, कहाँ से मिलेगा आपको कोई होटल खुला हुआ, ठीक है। और चाय की तलब क्या क्या करवा देती है कि मैं बता नहीं सकता और ना दिखा सकता आपको, ठीक है। और भाई लेट नाइट ये साहब होटल ढूंढने चाय का, वो भी किस टाइम पे, रात को 2-2.5 बजे के करीब। चलो पहले की बात तो चलो समझ में आती थी, अब भाई नया नया लॉकडाउन आता है, ठीक है। लॉकडाउन हट गया, अब आप लोग ढूंढने हो चाय। अबे भाई आपको चाय कहाँ से मिलेगी, तो फिर भी भाई हम 2-3 होटल पे रुके, और रुकने के बाद उधर पूछा कि भाई चाय है आपके पास स्पेशल कड़क चाय। उनका जवाब क्या था, नहीं सर चाय तो नहीं है, पानी मिली। तो हमने सोचा फिर हार के दो दरिया पहुंच गए, ठीक है। अब जब वहाँ पहुँचे ना हम, तो क्या मज़ा आया यार, पूछो ही मत। और जो चाय की तलब थी ना, वो किस तरह ख़त्म करी वो आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखो हम दो दरिया पहुँचे। और पहुँचते के साथ ही सबसे पहले तो हमने काम करा, वीडियो देखो। वीडियो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं दो दरिया पर, आप देख सकते हो ये हमेशा ही बैठे हुए, हम बोटियां लगा रहे हैं और ये बारबेक्यू बना रहे हैं, देख रहे हैं पीको में बोटियां लग रही हैं। और ये आरिफ भाई शोर मचा रहे हैं, ये आरिफ भाई हमारे। ये देखो फुल एंजॉय हो रहा है भाई। तो देखा कैसा एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है ना। अभी जो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब भाई बोटियां तो सीखो में लग रही हैं, ठीक है ना, लग गई। और अब बारी है सिगड़ी के ऊपर रखने की। जो चूल्हा होता है आपने देखा होगा, चूल्हा होता है, सिगड़ी भी बोलते हैं उसे कुछ लोग, और इंगीठी भी बोलते हैं कुछ लोग, अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन मैं सिगड़ी बोलता हूँ यार, ठीक है। अब भाई उसके ऊपर रखने की देर थी,
वो भी रख देते हैं, वीडियो तो एंजॉय करो। अच्छा हमारे साथ जो है ना मेरे कज़न भी मौजूद थे, मेरे कज़न भी मौजूद थे, और ये पार्टी जो थी वो सब कज़नों की थी, मतलब मेरे कज़न भी आए हुए थे उधर और मैं खुद था, तो बड़ा इन्जॉय करा हम लोगों ने, मस्तियाँ करी। और एक चीज़ है जो बड़ी स्पेशल थी वो मैं आपको दिखाऊंगा और मज़ा आएगा आप लोगों को, आप लोग वीडियो एंजॉय। अब भाई चूल्हे पे भी लग गई बोटी, सही है ना? आप लोग जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मैंने लगा दिए, ठीक है ना? चूल्हे पे भी लग गई बोटियाँ। अब कमेंट्री, अब कोई तो हो कमेंट्री करने वाला तो उसके लिए एक स्पेशल बंदा ढूंढा है मैंने, वो है हमारे सुफियान भाई, आए उनकी कमेंट्री चेक करने कैसी है कैसी नहीं। अगर उनकी कमेंट्री अच्छी लगे ना तो लाइक का बटन दबाना भाई, सोच लो फिर। ये नाजरीन जैसे कि आप देख रहे हैं हम हैं दो दरिया और यहाँ पे फुल एंजॉयमेंट चल रहा है, ये बारबेक्यू का फुल सिस्टम और चारों तरफ देखे नाजरीन चारों तरफ बारबेक्यू चल रहा है, जहाँ पे भी देखो आप बारबेक्यू नजर आएगा आपको। और ये हमारे मुफीद जो भुट्टा खा रहे हैं अभी, 50 रुपए का भुट्टा है 50 रुपए का भुट्टा। देखिए यार इन लोगों ने फोटेज अलग अलग हो गई, ठीक है ना? आप लोग ये देख रहे होगे पहले तो बोटियाँ बना ली, फिर उसके बाद कोयले सिलगा रहे, अब ये जो कोयले जो सिलगा रहे हैं ना ये सिलगाए जा रहे हैं चाय के लिए मेरी जान, ये चाय बनाने की तैयारी हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चाय का इन लोगों ने करा क्या है मेरे भाई, क्या मसालेदार चाय बनाई है, और जो पी रहा था वही बोल रहा था ज़बरदस्त बॉस, मज़ा आ गया चाय पी के। तो हमारे अलावा और भी लोग थे जो कि वो लोग भी पिकनिक पे आए हुए थे बारबेक्यू करने के लिए, तो कहते हैं ना जब एक साथ जब सारे दोस्त मिलते हैं तो फिर वो दोस्ती भी हो जाती है और फिर शेयरिंग इज केयरिंग भी करी जाती है चीज़ें। तो फिर उन्होंने भी बोला था कि यार हमें भी चाय पिलाना, ओ हमने भी दी भाई उन्हें चाय। और हमारे जो साथ थे ये जो अभी भुट्टा खा रहे थे ना, ये मेरे बड़े अच्छे कज़न हैं, मेरे दोस्त हैं, और पबजी के भाई माने हुए खिलाड़ी हैं, मेन बात तो रही गई पबजी के बड़े माने हुए खिलाड़ी हैं, मुफीर खान नाम है इनका। आओ आपको और फोटेजेस दिखा दें चाय कितना तैयार हो रही है भाई। अब उस्ताद जो है ना चाय बनाने का इंतजाम कर रहे हैं, उस्ताद क्या कर रहे हो? चाय बना रहे, ये उस्ताद चाय बना रहे, ये देख लो भाई ये बनाएंगे कोयला चाय, कोयले पे बनाएंगे हम लोग ये कोयले जल ले। अभी बारबेक्यू हमने गा के खत्म कर चुके, ये हम लोग सब खड़े हुए, ये आरिफ उस्ताद जो है ये चाय बनाने की तैयारी है। अभी ये न्यूडल दूध डाला है, बोटियाँ वगैरह हमने सबने खा ली, सिक्के भी खाए, बोटी खाई, बहुत पेट भर गया हमारा, अब चाय पीने का मूड हो रहा है, फिर चाय पी के फिर हम निकलेंगे घर पे। वह चाय पी के फिर आपको बताएंगे कैसी बनी, चाय पी के बताना कैसी लगे, चाय बनेगी ना फिर बताएंगे। ये इतना शोर हो रहा है यहाँ पे जो है लड़के डांस कर रहे हैं, ये सुजान भाई खड़े हैं, सुजान भाई कुछ बोलेंगे आप?
नहीं, पर यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि एंजॉयमेंट बड़ा प्यारा हो रहा है। बस 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 मंदी भाई आप कुछ बोलेंगे? नहीं भाई, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। दो दरिया पे आए हुए और रोटियाँ खा ली है, कोला खा, चाय बन ली है। चाय बन ली? हाँ भाई, अभी चाय तैयार नहीं हुई है, हालांकि मज़ा बहुत आ रहा था और हवा इतनी प्यारी थी यार के बस पूछो मत, ठीक है ना। और फिर जो एक साइड पे लड़कों का डांस हो रहा था और क्या मज़े मस्तियाँ कर रहे थे कि पूछो ही मत यार, वो बड़ा मज़े का मंदिर था और बड़ा मज़ा आ रहा था। और सारे उस्ताद ही उस्ताद थे हमारे साथ, सुफियान भाई को भी देखा अपने, आरिफ उस्ताद को भी देखा, राशिद उस्ताद को भी देखा, सब मतलब फुल एंजॉय कर। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो मुफीर भाई? डांस देख रहे हो? डांस देख रहे हो? उस्ताद कहाँ तक पहुँचे भाई? ये दूध अभी बना रहे हैं, दूध बन जाए भाई, दूध बनना है अभी। ये पानी ऐड कर रहे, ये फुल चाय बन रही है, दूध पत्ती, ये दूध पत्ती चाय बनेगी बेहतरीन किस्म की। सारे डाल दिए A few moments later. डाल दो। अबे हाँ सही है, वहाँ रख दो राजा बारी भाई। चीनी डाल दी। हाँ उस्ताद रखो, दो सीखों पे रखना, दो सीखों पे इधर, इस पे आग कम है। आरिफ भाई रुको, अपना राशिद भाई रुको, सुफियान ये कोयला उठा। हाँ तो भाई दोस्तों कैसा लगा? कोयले वोयले सेट कर रहे थे ये लोग और बड़ा मजा आ रहा था। तो चाय वाय सबने पी ली, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो स्पेशल सरप्राइज़ है ना, जो मैं आपको बोला था एक सरप्राइज़ है, मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा वेलकम, तो वो सरप्राइज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या था। और भाई फिर हम लोगों ने बोला यार कुछ तो ऐसा इन्जॉयमेंट करना चाहिए, ठीक है, इन्जॉयमेंट करना चाहिए। और इन्जॉय करने के बाद हम लोगों ने इन्जॉय क्या करा, ठीक है, वो दिखाता हूँ आप लोग चलें। और हमने बनाई है टिकटॉक वीडियो, और टिकटॉक वीडियो आए आए 7 दफ़ा जो है ना अहमियत होती है, 7 दफ़ा उसको बनाई, सही नहीं बनी, एक तो हंसी इतनी आ रही थी। तो आप लोग खुद इन्जॉय करें वीडियो, मेरे बोलने से क्या पता चलेगा आप लोगों को, आप लोग वीडियो जल्दी निकल जा, तेरे पावे महंगे लगेंगे, जल्दी करो जल्दी निकल जा, पैरों में मेहंदी लगी है, कोई भी नहीं आ रही है, जल्दी कर रही है। आप लोगों ने देखा, 2 टेक तो देख लिया आप लोगों ने, मैं इतना ज्यादा वो वीडियो नहीं लगा रहा, जो 7 दफ़ा मैंने जो बनाई है जो ख़राब हो रही थी ब्लॉपर वीडियो, वो मैं लगा नहीं रहा क्योंकि यार व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। तो इस वजह से जो है ना मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ कौन सी वीडियो बनानी थी हमें, ठीक है ना, तो आप लोग वो एंजॉय करें। कैमरा एक्शन, चल भाई चल, थोड़ा जल्दी निकल जा, पाँव में मेहंदी लगी हुई तेरे, अबे कल्लुआ के लोंडे साले।
थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा, वीडियो देखी, आप लोगों का प्यार है जो आप लोग देखते हो मेरी वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पे आप लोग ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उधर मैं बताता रहता हूँ, स्टोरी लगाता रहता हूँ कि किस वक्त कौन सा व्लॉग आने वाला है या किस वक्त क्या होने वाला है, ठीक है ना। अपने बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं उधर बताता हूँ, शेयर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो करें, और अगर हो सके तो फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें। बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।